हेलो एवरीवन, नमस्कार। दिस साइड आनंद प्रकाश। इन दिस सेशन वी विल डिस्कस हाउ टू राइट अ गुड आंसर इन द पॉलिटिकल साइंस पेपर। ये बीपीएससी का पेपर है और सेशन बाइलिंगुअल ही रहेगी, तो हम इसमें क्या डिस्कस करेंगे। ये 65th बीपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम है और पीएसआईआर का पेपर है ये, और हम उस सेगमेंट की चर्चा करेंगे कि आखिर एक अच्छा उत्तर कैसे लिखें। तो अच्छे उत्तर के लिए पैरामीटर्स क्या होते हैं, इस बात को पहले समझना पड़ेगा। इसका पैरामीटर्स क्या होता है, इस बात को पहले समझना पड़ेगा। तो हम इस पेपर में आने से पहले कुछ पैरामीटर्स को समझ लेते हैं और थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। देखें ये कौन से पैरामीटर्स हैं। अब देखो, मैं आपको एक पैरामीटर बता रहा हूं, एक अच्छा उत्तर कैसे लिखें, हाउ टू राइट अ गुड आंसर इन PSIR, हाउ टू राइट अ गुड आंसर, हाउ टू राइट अ गुड आंसर। लोग कहते हैं कि सिलेबस बड़ा है, और हमने अभी तक जितने भी डिस्कशंस किए हुए हैं तो ऐसा लग रहा है कि 75% सिलेबस तो पूरा GS का ही हिस्सा है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो हम एक अच्छा उत्तर कैसे लिखें, ये सबसे बड़ा सवाल है। अच्छा उत्तर कैसे लिखें, हालांकि ये सवाल तो GS में भी आता है, हर एक ऑप्शनल में आता है, लेकिन हम जहां तक PSIR की बात करें, पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन की, तो इसमें अच्छा उत्तर लिखने के लिए हमें कुछ पैरामीटर्स देखने होंगे, है ना। हमें पहला तो ये देखना होगा कि हमारे पास इसको लिखने के लिए एक नॉलेज बेस क्या है। नॉलेज बेस मतलब कि सिलेबस के अनुसार नॉलेज बेस। अब नॉलेज बेस क्या है, सिलेबस के अनुसार, है ना, अकॉर्डिंग टू सिलेबस। एक होता है कि रैंडम नॉलेज और एक होता है सिलेबस। तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमारे पास क्या क्या आंसर है इसमें। दूसरी बात है कि अगर ज्ञान हो गया तो क्या हमें मुद्दे को कंपेयर करने आता है कि नहीं, दिए गए समय सीमा में क्या हम उत्तर लिख सकते हैं, तो क्या हम मुद्दे को कंपेयर कर सकते हैं, मुद्दे की तुलनात्मक समीक्षा। अब ये समझना कि PSIR में कोई भी मुद्दा एक तुलना लेके आता है ना, तो तुलनात्मक समीक्षा, कंपैरेटिव एनालिसिस, कंपैरेटिव एनालिसिस। अभी हम देखेंगे प्रश्नों के माध्यम से कि ये क्या है कंपैरेटिव एनालिसिस, प्लस इस टॉपिक में हम कैसे इसको वैल्यू एडिशन करें, कैसे अधिक नंबर उठाएं, क्या करें, ऐसा वैल्यू एडिशन क्या करें, मूल्य वृद्धि क्या करें, उसके लिए हम आलोचनाएं लिखें या कौन सी किताबें पढ़ें या कौन सी ऐसी स्किल डेवलप करें। तो हर एक, अब देखो एक और बात है, जैसे हम अगर कहूँ पूरे सिलेबस के लिए अलग अलग रणनीति होगी, है ना, सिलेबस के डिफरेंट स्ट्रेटजी फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिलेबस, डिफरेंट स्ट्रेटजीज फॉर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिलेबस। ध्यान से देखना, पार्ट्स ऑफ द सिलेबस। अब एक बात यह है कि सिलेबस के विभिन्न मुद्दों पे अलग अलग रणनीति बनानी होगी, पृथक रणनीति। अब ये कैसे बनाएंगे, अब सिंपल सी बात है कि अगर मुझे, मान लो कि अगर मैं ऐसा लिखूं, पेपर वाइज एनालिसिस करें, तो अगर मैं पेपर को देखूं तो एक हिस्सा इसका है थिंकर्स का है, तो थिंकर्स में वेस्टर्न और इंडियन थिंकर्स दिखाई दे रहे हैं, मतलब पश्चिमी थिंकर्स और इंडियन थिंकर्स दिखाई दे रहे हैं, तो थिंकर्स की ये रणनीति हो गई। और एक दिखाई दे रहा है, दूसरे पक्ष में दिखाई दे रहा है कि हमारे पास कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हो गई, मतलब तुलनात्मक राजनीति हो गई। और एक इसका हिस्सा दिखाई दे रहा, हर एक हिस्से के लिए अलग अलग रणनीति आपको विकसित करनी होगी। एक इसका हिस्सा दिखाई दे रहा है मॉडर्न इंडिया का,
मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का दिखाई दे रहा है, आधुनिक भारत का इतिहास दिखाई दे रहा है, और एक इसका हिस्सा दिखाई दे रहा है और वो है भारत की राजनीतिक व्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल सिस्टम, भारत की राजनीतिक व्यवस्था, भारत की राजनीतिक व्यवस्था दिखाई दे रही है ना, और इसका एक सेगमेंट दिखाई दे रहा है आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन या अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अब अगर आपने हर एक पहलुओं को देख लिया है तो इसके लिए अलग अलग रणनीति बनानी पड़ेगी। कैसे? अगर मैंने वेस्टर्न थिंकर्स को मैं लिख रहा हूँ तो मैं अगर कोशिश करूँ या इंडियन थिंकर्स को लिख रहा हूँ तो मैं दोनों की तुलना करके लिखूँ, है ना। देर इज अ नीड टू कंपेयर बोथ ऑफ द थिंकर्स। अब जैसे मान लो कि मैं अगर मैकियावेली के बारे में लिख रहा हूँ, तो आपको ये पता होना चाहिए कि गांधी जो है मैकियावेली के अगेंस्ट में प्रिंसिपल दे रहे हैं। मैकियावेली कह रहा है कि राजनीति में धर्म की जरूरत नहीं है, देर इज नो नीड ऑफ रिलीजियन एंड एथिकल कंडक्ट इन द पॉलिटिक्स, बाई हुक और बाई क्रूक, एनी हाउ स्टेट शुड प्रोटेक्ट इट्सेल्फ। चाहे जो भी हो जाए, राज्य को केवल अपना सोचना चाहिए, अपने बचाने की कोशिश करनी चाहिए, है ना। ये मैकियावेली कहता है द प्रिंस में। गांधी कहते हैं कि ऐसी कोई भी व्यवस्था जिसमें नैतिक मापदंड ना हो, जिसमें धर्म का प्रयोग ना हो, वो अपने आप विनाशकारी होती है। तो देखो कितना रिवर्स। तो जब कंपैरिजन करोगे ना तो अपने आप जबरदस्त आंसर राइटिंग हो जाएगी, है ना। लेकिन ये अचानक से नहीं होगा, ये आपको सीखना पड़ेगा। और सिखाएगा कौन? आपके केस में मैं सिखाऊंगा। तो आप देखोगे कि बड़ा ही फ्लो दिखाई देता है। अगर आपको ये देखना हो कि अगर आप मैकियावेली की तुलना चाणक्य से कर पाओ, देखो शानदार आंसर राइटिंग होगी, है ना। आपको अगर थोड़ा भी इसमें संदेह हो तो आप मेरी लेक्चर्स बहुत सारी यूट्यूब पे हैं, आनंद प्रकाश आईएएस के नाम से, लगभग 11 साल से अधिक समय तक पढ़ाने का अनुभव है, सैकड़ों अधिकारियों को मार्गदर्शन करने का अनुभव प्राप्त है। और इस संदर्भ में देखें तो आप मेरी बहुत सारी लेक्चर्स होंगी यूट्यूब पे, आनंद प्रकाश आईएएस पे जाके आप इसको देख सकते हो और आप एक तुलना कर सकते हो कि हमारी पढ़ाई का स्तर क्या रहेगा, है ना, हम किस तरीके से डील करेंगे। और मैं ये पेपर सॉल्व करके बताऊंगा कि पढ़ा तो होगा आपने बहुत, लेकिन पेपर में लिखें क्या, ये सबसे बड़ा सवाल है। दिस इज द मिलियन डॉलर क्वेश्चन, हाउ टू राइट अ गुड आंसर एंड फेस द मार्क्स। क्योंकि लिखने को तो हजारों विद्यार्थी लिखते हैं मेंस के अंदर में, और लोग पढ़े जा रहे हैं, है ना। सबको पता है एंड्रू हैवर्ड, सबको पता है ओपी गबा, सबको पता है डेविड मलून, सबको पता है यू आर घई, सबको पता है डीडी बसु, सबको पता है एमवी पाइली, किसको नहीं पता है ब्रज किशोर शर्मा, जो किताबों की तो अंबार लगी हुई है, खूब सारी नोट्स है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम एक बढ़िया आंसर राइटिंग लिख सकते हैं कि नहीं, सवाल तो यही है ना। यही तो सीखने में समय लग जाता है। दैट इज दी पॉइंट वेयर यू शुड थिंक, और ये सिखाऊंगा मैं। तो देखो यहां से तो ये कंपैरिजन करना है। अब ये समझो कि ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सैद्धांतिक पक्ष है ना, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का ये डॉक्ट्राइंस है ना, सिद्धांत है, बेस ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो क्या हम यहाँ की बातें, यहाँ वाली बात, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स वाली बात आईआर से या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से जोड़ सकते हैं क्या? कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की बातें क्या हम यहाँ पे जोड़ सकते हैं? जैसे मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ, जैसे आपने सुना होगा, बस एक एग्जाम्पल देखना, बहुत बड़ी एग्जाम्पल बताऊंगा मैं, ठीक है। जैसे ये समझो कि आपने सुना होगा कि एक बनी है संस्था या एक ग्रुप बना है क्वाड। क्वाड में कौन कौन दिखाई दे रहा है? जापान, इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, और ये चाइना को काउंटर करने के लिए एक संगठन दिखाई दे रहा है। इसको कहते हैं कहीं ना कहीं, अब डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन ये कलेक्टिव सिक्योरिटी है। मतलब कि अगर एक देश अगर वो तेजी से आगे बढ़ रहा है, आक्रामक कार्रवाई कर रहा है, तो आपको भी आपस में संगठित हो जाना चाहिए। तो मैं यहां से एक सिद्धांत उठाता हूं, सामूहिक सुरक्षा, कलेक्टिव सिक्योरिटी, जो हमने कंपैरेटिव में पढ़ा, सामूहिक सुरक्षा। और मैंने लिखते समय यहां पे अप्लाई कर दिया कि ये जो क्वाड बना है
ये जीएस में नहीं करना है, ठीक है ना, डोंट यूज सच थिंग्स इन जीएस। लेकिन अगर आप ऑप्शनल के लिए लिख रहे हो तो क्या करोगे, यहां पे लिख दोगे कि क्वाड के पीछे कलेक्टिव सिक्योरिटी या सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत कार्य कर रहा है। अब इससे आपको जबरदस्त नंबर मिलता है क्योंकि आप कंपेरिजन कर रहे हो, यूज कर रहे हो, है ना। जैसे मान लो मुझे आधुनिक भारत का इतिहास लिखना हो, ठीक है, अगर मुझे आधुनिक भारत का इतिहास लिखना हो तो मैं क्या पॉलिटिकल सिस्टम से भारत की तुलना कर सकता हूं। जैसे समझो भारत की जो विदेश नीति बनी, मान लो भारत का संविधान या विदेश नीति जो भी दिखाई दे रही है, फॉरेन पॉलिसी या जो हमारा संविधान दिखाई दे रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन, क्या वो राष्ट्रीय, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व, स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व, क्या ये सब हमारे बलिदान, क्या ये सब हमारे आधुनिक भारत के जो स्वतंत्रता संघर्ष के सेनानी थे, क्या उनके मूल्य नहीं थे? दीज आर दी वैल्यूज ड्यूरिंग द इंडियन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल। जस्ट यू हैव टू यूज सच वैल्यूज एंड पुट हियर। भारत के विदेश नीति का आप लिखोगे कि जो भारत की विदेश नीति बनी है वो राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष के मूल्यों की देन है। अगर यहाँ पे मॉडर्न इंडिया पे लिख रहे हो तो लिखो कि मॉडर्न इंडिया में आईआर का इन्फ्लुएंस दिखाई देता है। जैसे अगर मैं कहूं कि 1905 के समय, अगर आप जैसे कांग्रेस का प्रोग्रेशन देखो, इफ यू वांट टू नो कि कांग्रेस का जो विकास हो रहा है 1885 से लेकर 1905 तक, इन दीज इयर्स 20 इयर्स फ्रॉम 1885 टू 1905, तो उस समय मॉडरेट्स दिखाई दे रहे हैं। कौन से लोग दिखाई दे रहे हैं? मॉडरेट्स, नरमपंथी, जिनको नरम दल के लोग कहते हैं, जिसमें दादा भाई नरोजी हैं, WC बनर्जी हैं, इस तरीके के बहुत सारे लोग हैं ना। तो अगर मैं बात करूं इतिहास में पढ़ते हैं तो ये एक मसला चल रहा है ना। और यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, पिटीशन, प्रेयर, प्रोटेस्ट, परसुएशन, माने धीरे धीरे बात कर रहे हैं, तो कभी याचिका डालते हैं, कभी प्रार्थना करते हैं, कभी अंग्रेजों को मनाते हैं, कभी आर्थिक आलोचना करते हैं, लेकिन उतना उग्रता नहीं है। लेकिन 1905 में ही गरम दल का गठन क्यों होता है? आखिर लालवाल पाल एक्सट्रीमिस्ट बन के क्यों आ जाता है कांग्रेस में, और कांग्रेस का सूरत विभाजन क्यों हो जाता है? अगर आपने यहां पे लिख दिया कि 1905 में अंतर्राष्ट्रीय परिवर्तन हो रहे थे, है ना, अंतर्राष्ट्रीय परिवर्तन हो रहे थे, दुनिया विश्व युद्धों की ओर बढ़ रही थी, जापान जैसे देश ने रूस जैसी महाशक्ति को हरा दिया और अंतर्राष्ट्रीय परिवर्तन दिखाई दे रहे थे, है ना, धीरे धीरे नाजिज्म और फैसिज्म की ओर दुनिया बढ़ रही थी और कहीं ना कहीं दुनिया में अनरेस्ट आया हुआ था, तो भारत में भी अंग्रेज सुरक्षित नहीं रह सकते थे, यही तो लिखना था, इजंट इट? तो कहीं ना कहीं अगर आपके अंदर कंपैरिजन का गुण विकसित होता है तो अपने आप एक अच्छा आंसर राइटिंग आप विकसित कर लोगे। और यही सिखाऊंगा मैं आपको, ये पूरे सेगमेंट में यही सिखाऊंगा मैं, लेकिन ये बिना सीखे हो भी नहीं सकता है। जैसा मैंने पहले की लेक्चर्स में भी कहा है कि विदाउट गाइडेंस यू कैनॉट कंप्लीट इट। और मैं अगर इसको बहुत सिंपल सी बात करूं तो हमारा समय का महत्व है ना, सवाल ये नहीं है कि कर पाओगे कि नहीं। जैसे आपने कसम खा लिया कि नहीं मुझे करना ही है, तो हो सकता है 10 साल में कर लो, 12 साल में कर लो, लेकिन उस 10-12 साल को मिनिमाइज करके मुझे, और इसको 6 महीने में, 8 महीने में, इसको मुझे जल्दी से जल्दी करना है ना, 4 महीने में, मतलब एक टाइम फ्रेम के साथ करना है, तो क्यों ना गाइडेंस लेके और अपना समय रिवीजन में लगा लें, इजंट इट? रिवीजन में लगा लें और अपना काम खत्म कर लें, सिलेक्शन होने से मतलब है ना। और यही वजह है कि जो IIT IIM के बच्चे हैं वो तेजी से एग्जाम निकाल ले रहे हैं क्योंकि बड़ा प्रोफेशनल होते हैं, वो तुरंत गाइडेंस लेंगे, तुरंत टीचर से गाइडेंस लिया, उसके अनुभव को देखा और तुरंत के तुरंत वो सिलेक्ट हो गए, है ना, बाकी सब पढ़ने में लगे हुए हैं। तो यही हमें प्रोफेशनलिज्म विकसित करना है जो उनके अंदर है, है ना, यही प्रोफेशनलिज्म विकसित करना है। हमारा मेन उद्देश्य ये नहीं है कि ज्ञानी बन जाए, हमारा मेन उद्देश्य ये है कि सेलेक्ट हो जाए, दैट इज आर प्राइमरी टास्क, दैट इज सिलेक्शन, नथिंग एल्स, कुछ भी हमारा उद्देश्य नहीं है, ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो जब हम, अब आओ जरा चलते हैं सवाल के ऊपर और सवालों के माध्यम से समझते हैं कि वास्तव में ये कैसे काम करता है ना। अब मैं कहूं कि एक बड़ा सिंपल सा एक सवाल पूछा गया आपसे कि अब देखो ये 65th वाला एग्जाम है और इसकी प्रवृत्ति को देखो। अब एक सवाल आपसे पूछा गया और ये सवाल क्या है कि ब्रीफली डिस्कस द नेचर एंड स्कोप ऑफ द पॉलिटिकल साइंस। अब ये इसकी प्रकृति और उसके क्षेत्र की विवेचना कीजिए और ये बताइए कि यह किस सीमा तक विज्ञान है। मान लो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है,
दिस इज वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन. तो आपको कुछ नहीं करना था, सिंपली आपको कहाँ पे जाना था, यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन बनाना है, यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन बनाना है, एक इंट्रोडक्शन बनाना है. इंट्रोडक्शन में लिखोगे कि सिंपली कि भाई अगर देखा जाए तो राजनीति विज्ञान है क्या, किस तरीके से यह राज्य व्यवस्था और राजनीति विज्ञान दोनों अलग अलग चीज़ें हैं. राज्य व्यवस्था में हम केवल संवैधानिक पक्षों का अध्ययन करते हैं, राजनीति विज्ञान एक विस्तृत विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम संविधान सहित पूरी दुनिया की व्यवस्था का अध्ययन करते हैं, है ना. वी विल जनरली वी आर स्टडींग इन द पोलिटिकल साइंस एंटायर पोलिटिकल एक्टिविटी ऑफ द ग्लोब, ऑल द थियरीज, ऑल द कॉन्सेप्ट अलॉन्ग विथ कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क. हाउ एवर इन द पॉलिटी वी आर जनरली अंडरस्टैंडिंग व्हाट थिंग्स. हम क्या पढ़ते हैं पॉलिटी के अंतर्गत में, केवल संवैधानिक पक्षों को देखते हैं. और एक मजे की बात यह है कि हम पॉलिटी और पॉलिटिकल साइंस में अंतर ही नहीं कर पाते. बहुत सारे लोग बोलते हैं जीएस के लिए कि हमारी पॉलिटिकल साइंस की सिलेबस चल रही है, तो थोड़ा इसको क्लियर करना है, ठीक है ना. पॉलिटी होता है जीएस में. तो इंट्रोडक्शन में आपने ये सब लिख लिया, उसकी प्रकृति क्या है, किस तरीके से राज्य और सरकार के संबंधों की विवेचना करता है ना, राज्य सरकार के संबंधों की विवेचना करता है, और उसके क्षेत्र क्या है. तो पॉलिटिकल साइंस एक तरीके के मनोविज्ञान से भी जुड़ जाता है, अर्थव्यवस्था से भी जुड़ जाता है, राजनीति से भी जुड़ जाता है, गवर्नेंस से जुड़ जाता है, अर्थव्यवस्था से जुड़ जाता है. तो मतलब सारे विज्ञानों को यहाँ पे एक साथ लिखना है. और पूछा जाए कि इसे विज्ञान माना जाए कि नहीं. देखो विज्ञान क्यों नहीं मानेंगे और क्यों मानेंगे, इसके अपने अपने तर्क हैं ना. विज्ञान में लेबोरेटरी में टेस्ट किया जाता है, उसका परीक्षण किया जाता है, उसको सिद्ध किया जाता है, उसके आंकड़े होते हैं और हर बार वही रिपोर्ट आएगी, है ना. मोस्टली एक फिक्स होता है. पॉलिटिकल साइंस में भी हम समाज को एक एक्सपेरिमेंट की लैब मान के और उसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेकिन रिजल्ट अलग अलग आते हैं. तो इसको विज्ञान न मानने वाले लोग कहते हैं कि ये तो रिजल्ट बदलते रहते हैं, ये कोई विज्ञान जैसा तो है नहीं कि बार बार वही आर्किमिडीज का प्रिंसिपल, बार बार वही न्यूटन के सिद्धांत का रिजल्ट आ रहा है. हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि इसमें जो प्रक्रिया को फॉलो किया जाता है वो विज्ञान को ही मान के किया जाता है. मतलब एक तरीके का विज्ञान है, समाज के अंदर जो व्यवस्थाएं हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बात बता रहा हूँ. जैसे हमने कहा कि लोकतंत्र एक सिद्धांत है, और हमने देखा है कि समाज में जब जब हमने लोकतंत्र का प्रयोग किया है तो समाज मजबूत हुआ है. तो निष्कर्ष निकला ना कि चुनाव कराते हैं हम लगातार लोगों को वयस्क मताधिकार देते हैं, जनरली वी आर गिविंग एडल्ट फ्रेंचाइजी राइट्स एंड वी आर होल्डिंग इलेक्शन कंटिन्यूअसली ग्रेजुअली फ्री एंड फेयर, दैट रिजल्टेड इन टू अ स्ट्रांग सोसाइटी, अ स्ट्रांग नेशन. तो बहुत क्लियर सी बात है कि ये भी तो विज्ञान जैसा ही काम कर रहा है. लोकतंत्र का प्रयोग आज तक असफल नहीं हुआ है, हालांकि कई जगहों पे इसकी समस्याएं भी दिखती हैं. तो अगर आपको ये क्लियर है तो इजिली आप लिख ले जाओगे, है ना. और थोड़ा रेफरेंस समझते हैं और थोड़ा रेफरेंस देखते हैं इसका. कुछ और भी सवाल देखते हैं. अगर इन सवालों को देखो तो क्या दिखाई दे रहा है आपको. तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे कि जैसे अगर अगला सवाल देखें तो मैकियावेली की राजनीति और नैतिकता संबंधी विचारों की विवेचना करिए. तो बहुत क्लियर सी बात है कि पॉलिटिक्स और मोरालिटी. अब ये देखो बिना अब जब जब हम आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो हम इंट्रोडक्शन में ये लिखेंगे कि भाई ये मैकियावेली है कौन, है ना. हमेशा याद रखना कि बैकग्राउंड होती है ना, मैकियावेली है कौन, और बहुत विस्तार न दे, है ना. और मैकियावेली का एक छोटी सी बात लिखनी है कि वो नैतिकता संबंधी इसके विचार क्या हैं. जैसे मैकियावेली ये कह रहा है कि राजनीति में नैतिकता चाहिए ही नहीं, बाय द हुक और बाय द क्रूक, ये सारी बातें दिखती हैं. तो ये सारे विचार कहाँ रखे गए हैं, यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बोल देंगे कि द प्रिंस में क्या है, एक महान इटालियन जो राजनीति विज्ञानी है 15th century में, मैकियावेली, और वो ऐसे विचार रखता है द प्रिंस. 90 पेज की किताब है, लेकिन इसमें कमाल की बातें लिखी गई हैं ना. हालांकि हमें यह भी लिखना होगा यहाँ पे कि वर्तमान में मैकियावेली अगर देखा जाए तो आधुनिक राजनीति भी कहीं ना कहीं मैकियावेली से प्रेरित है. मॉडर्न पॉलिटिक्स इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाई मैकियावेलियन पॉलिटिक्स. और हालांकि वर्तमान में जो मॉडर्न पॉलिटिक्स है इसको अच्छा नहीं समझा जाता है, मैकियावेलियन पॉलिटिक्स को अच्छा नहीं समझा जाता है. अगर किसी के ऊपर आपने कह दिया ना कि तुम मैकियावेलियन राजनीति कर रहे हो, इसका मतलब उसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, क्योंकि मैकियावेली कहता है कि राज्य बड़ा है व्यक्ति के अधिकारों से, है ना.
तो खैर यहाँ लिखना नहीं है, बस ये एक शुरुआत हो गई, इंट्रो हो गया, आपने एक लमसम ब्रीफिंग दे दी है ना, और ये कहा। अब आते हैं मेन बॉडी के अंदर में, है ना, आपने एक बता दिया कि क्या ये मसला था और कहाँ पे लिखा गया है। मेन बॉडी के अंदर में जब आते हो तो सीधे सीधे आप बताते हो कि मैकियावेली का ये कॉन्सेप्ट क्या है, मैकियावेली का राजनीति के बारे में विचार क्या है, मैकियावेली का राजनीति के बारे में विचार क्या है। तो वो कहता है कि राजनीति कोई सेवा का माध्यम नहीं है ना, दिस इज नॉट दी वे ऑफ सर्विस। वो कहता है कि राजनीति कोई सेवा का माध्यम नहीं है, ये तो केवल राष्ट्र को बचाने के लिए है, और राष्ट्र बचेगा कैसे, जब राजा को बचाया जाए, है ना। वेन किंग विल बी सुपीरियर देन ऑटोमेटिकली नेशन विल बी स्ट्रॉन्गर। तो वो एक तरीके से कहीं ना कहीं एक तानाशाह राजा की कल्पना करता है ना, तानाशाह राजा की कल्पना करता है। हालांकि वो ओल्ड राजा की कल्पना नहीं करता है, कहता है कि वो एक यूथ हो, एक युवा हो, एक राजकुमार को राजा बनाया जाए जो सीखने के लिए उत्सुक हो, क्योंकि बुढ़ापे वाला राजकुमार तो बेकार ही होगा, वो तो नई लर्निंग लेगा नहीं। तो यहाँ पे ये सारी बातें आपको एक्सप्लेन करनी है, और सिंपली क्या करना होगा, जब आपने ये लिख लिया तो दूसरी बात लिखोगे कि कहीं ना कहीं ये विचारधारा गांधी की विचारधारा के उलट दिखाई दे रही है, जहां पे गांधी या कौटिल्य की विचारधारा के उलट दिखाई दे रही है तुलना, क्योंकि गांधी और कौटिल्य मानते हैं कि बिना धर्म के राजनीति हो ही नहीं सकती है। हमारे यहाँ तो धर्म का मतलब है धरी धातु, मतलब कि धार्मिक आचरण लाना, है ना, अपने जीवन को कंट्रोल करना। तो देर इज अ नीड ऑफ एथिक्स एंड मोरालिटी इन आर लाइफ। एकदम से नीड है कि हमारी जीवन में एथिक्स और मोरालिटी आ पाए, है ना। तो ये सारी बातें ध्यान में रखनी है, तो ये सब आप जरूर गौर करोगे और देखोगे, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है। अब जरा देखो, अगर मैं कहूं कि आपने तुलना कर लिया, अब यहाँ पे गांधी से तुलना कर ली आपने, गांधी जी से तुलना कर ली आपने, चाणक्य से इसकी तुलना कर ली, ठीक है, पर ये बताओगे कि इसने किस परिस्थिति में ऐसे विचार दिए थे, क्योंकि इसका मेन उद्देश्य था ना कि इटली बहुत कमजोर हो रहा था, आस पड़ोस के जो देश थे बड़ा मजबूत हो रहे थे, चाहे फ्रांस हो चाहे स्पेन हो। तो मैं क्या वाली सोचता था कि आखिर किन वजहों से इटली कमजोर हो रही है, और उसका मेन उद्देश्य था कि इटली को मजबूत बनाना, इटली को ताकतवर बनाना, और आगे चल के इटली इन्हीं के बिहाफ पे ताकतवर बना। हालांकि इस चक्कर में वो भूल जाता है कि इंसान की जिंदगी में, इंसान में अच्छाई के भी गुण होते हैं ना, ही लॉस्ट समवेयर दैट कि मेंटेलिटी ऑफ ह्यूमन बींग इज नॉट लाइक एज रोबोट। आप ह्यूमन बींग को रोबोट नहीं बना सकते, उसकी अपनी भावनाएं होती हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्रिटिक करोगे, है ना, क्रिटिक करोगे, और इसी बीच में इसकी लिखोगे कि इसकी प्रासंगिकता क्या है आज के डेट में। तो आप दो चार उदाहरण लिख दो, है ना, कि आज जैसे अमेरिका को देखो अवसरवादी राजनीति कर रहा है, जैसे आप पाकिस्तान चीन को देखो एक तरीके से एग्रेसिव पॉलिसीज बना रहे, तो कहीं ना कहीं ये मैकियावेलियन पॉलिटी की प्रासंगिकता है कि आज भी कहीं ना कहीं षड्यंत्रों वाली दुनिया है, और केवल अपने को बेहतर समझने की व्यवस्थाएं दिख रही है ना। और अंत में जब ये आपने कंपैरिजन कर लिया, तो थोड़ा सा इधर मैप चाहो तो बना सकते हो, जरूरी नहीं है, मैप बना लो, फ्लो चार्ट बना लो, है ना, औसर बनाने हैं। आप पूछोगे कहाँ बनाए, तो इसमें औसर बनाने हैं जिससे एक आध नंबर अधिक मिल जाए। नहीं भी बनाओगे तो ऑप्शनल में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हर जगह पे नहीं बनाना है, ठीक है। और एक बात आप क्या करोगे, एक कंक्लूजन लिखोगे कि हालांकि मैकियावेली के सिद्धांत की बहुत सारी सीमाएं हैं, लेकिन मैकियावेली एक आदर्शवादी राजनीतिज्ञ है, एक विचारक है, और कहीं ना कहीं उसने खुद राजनीति में पार्टिसिपेट किया था। एक कम उम्र में वो इटली का प्रशासनिक अधिकारी बनता है, एक फॉरेन मिनिस्टर बन जाता है। इन दी अर्ली एज ऑफ हिज लाइफ ही बिकम एडमिनिस्ट्रेटर, ही बिकम सिविल सर्वेंट, एंड आफ्टर दैट ही ज्वाइंट पॉलिटिक्स। हाउएवर ये सारी चीज़ें उसने फील की और महसूस किया कि राजनीति में वास्तव में आदर्शवाद की बजाय रियलिज्म आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इसकी सीमाएं हैं कि ये कहते हुए वो भूल जाता है कि क्या नीड है, लेकिन इस बात को समझोगे तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए एक आदर्श स्थिति दिखाता है। तो मैं अगर आपसे कहूँ कि जो मैकियावेली की पॉलिटिक्स है वो कंक्लूजन में क्या लिखोगे, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाना है, तो आपको समझ में आ रहा है कि आंसर राइटिंग कैसे होती है, यही सारी चीज़ें सीखनी है। और अगर ऐसा लिखना सीख गए तो अपने आप नंबर मिल जाएंगे, है ना। इवैल्यूएशन के समय एग्जामिनर आपको देखता है, ये कोई किताब नहीं सिखाएगी, है ना,
क्योंकि जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं, जो किताबें होती हैं, जो नोट्स होती हैं, उसमें देखा बहुत सारे पेज भरे होते हैं, आपको तो लिखना है 200-300-400 वर्ड्स में आंसर लिखना है। तो आंसर लिखना एक कला है, मैं बार बार क्या कहता हूँ कि आंसर राइटिंग इज एन आर्ट, एक आर्ट है। और जितना बढ़िया लिखोगे, जितना बढ़िया तुलना करोगे, और उतना ही अच्छे नंबर मिलेंगे। अच्छे नंबरों से ही मतलब है, सेलेक्ट होने से मतलब है। तो हम एकदम टू द पॉइंट बात करेंगे अपने सिलेबस में, हर एक चैप्टर को पढ़ने के बाद। जैसे ही आप मेरे से जुड़ोगे पूरे एंटायर कोर्स में, अगर आपको कोई भी इसमें क्वेरी होगी तो आप मेरी यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हो। बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, लेकिन वो इनकम्प्लीट है, मतलब उसमें सिलेबस नहीं है, वो रैंडम से वीडियोस हैं क्लास की, है ना। तो कुछ कुछ हिस्से डले हुए हैं, एकाध पॉइंट, तो उसमें कुछ वीडियोस आप देख के क्लैरिटी कर सकते हो कि हाँ सर की क्लास कैसी है, हम किस तरीके से चीज़ों को देखते हैं और समझते हैं। तो हम पूरे सेशन में क्या करेंगे, जब हम पूरे कोर्स को पढ़ेंगे तो हम एक टॉपिक जब पढ़ेंगे, जैसे मान लो मैं कियावली पढ़ रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करके और एक इसके ऊपर ऐसा कॉन्फिडेंस जनरेट करेंगे कि क्या हम इसको पढ़ पा रहे हैं कि नहीं पढ़ पा रहे हैं। आज की राजनीति देख लो, जैसे अभी हम 2021 में खड़े हैं, मार्च हो गया है ना, और अगर हम 2021 की बात करें तो कितने सारे मुद्दे दिखाई दे रहे हैं। राजनेता केवल छात्रों से वादे कर रहे हैं, राजनेता केवल किसानों से वादे कर रहे हैं, लेकिन कहाँ फुलफिल हो रहा है। तो क्या ये मैकियावेलियन पॉलिटिक्स नहीं है? कोई कहता है कि जैसे जहाँ का चुनाव होने वाला हो, है ना, जैसे वेस्ट बंगाल का चुनाव होने वाला हो तो केवल वहीं की बातें करेंगे, केवल हम रविन्द्रनाथ टैगोर की बातें करेंगे, केवल हम सुभाष चंद्र बोस की बातें करेंगे, हमारे नेता। और जैसे ही बिहार का चुनाव होने वाला हो तो कर्पूरी ठाकुर पे आ जाते हैं, वैसे ही वो आ जाते हैं बिहार की धरती पे, पाटलिपुत्र की बातें लगते हैं करने, है ना, जयप्रकाश नारायण जी की बात करने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स मैकियावेली के सिद्धांतों के ऊपर दिख रहा है। तो अगर हमें ये कॉन्फिडेंस जनरेट हो गया ना कि कुछ भी पूछ लेगा आंसर लिख लेंगे, हो तो गए, टॉप कर गए, इजिली 65-70% नंबर स्कोर करने की गारंटी, समझ रहे हो। तो इसको आप देखेंगे ध्यान से, समझेंगे और जुड़ेंगे हमसे, और इसे जुड़ने के बाद आपको एकदम महसूस होगा कि गारंटी है। आप सोचो कि आपको ये फीलिंग आ जाएगी कि अरे वाह, ऐसा तो हमें लेक्चर ही नहीं मिला था। ये गारंटी है कि अगर आपने मेरे कहे अनुसार काम किया तो 65-70% नंबर इजिली स्कोर कर लोगे, इंटरव्यू में भी फायदा होगा। अगर जीएस के पेपर की बात करें तो वहां पे भी फायदा होगा इस अप्रोच का। तो हम एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के ओर बढ़ेंगे, ठीक है। अब जरा हम आगे बढ़ें, अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है, अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है, आगे थोड़ा बढ़ते हैं और अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखो, जैसे अगला सवाल ये है कि मार्क्स ने क्या किया, कम्युनिज्म को एक तरीके से, कम्युनिज्म में भगदड़ मची हुई थी, है ना, मतलब जो एक तरीके से देखे कि मार्क्स ने, देखो इस सवाल को, ये सवाल आसान है, लेकिन अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो, मार्क्स फाउंड कम्युनिज्म इन द केओस, केओस मतलब भगदड़ हो गया, एंड लिफ्टेड इट टू ए मूवमेंट, और इसे एक आंदोलन के रूप में बना दिया। कम्युनिज्म एक साम्यवाद, एक ऐसी विचारधारा थी जो स्थिर नहीं थी, और इसने इसको ऊपर तक ले गया, एक फिलॉसफी दी, एक डायरेक्शन दिया, है ना। मार्क्स ने साम्यवाद को अस्त व्यस्त स्थिति में पाया, उसे एक आंदोलन बना दिया, उसके द्वारा एक दर्शन मिला, एक दिशा मिली, और लास्की नाम का एक चिंतक इसको कहता है ना। अब सुनो, कुछ नहीं करना था। अगर आपको कार्ल मार्क्स के बारे में पता है तो आपको पता होगा कि कार्ल मार्क्स, मैंने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था कि जब जब शोषण रहेगा तब तक कार्ल मार्क्स की थियरीज आएंगी, है ना। तो कार्ल मार्क्स वॉज अ जर्मन पॉलिटिकल थिंकर, और जो कार्ल मार्क्स है इसकी खासियत ये है कि ये एक, देखो लोग कहते हैं कि कम्युनिज्म या साम्यवाद कार्ल मार्क्स की देन है, ऐसा नहीं है। कार्ल मार्क्स ने कई सारी थियरीज को मिला के अपनी थियरी बना दी, है ना। इसके पहले एक यूटोपियन कम्युनिज्म चल रहा था, है ना, चाहे आप देखो प्लेटो की बातें, चाहे एरिस्टोटल की बातें देखो। यूटोपियन कम्युनिज्म का मतलब ये है कि कल्पनावादी कम्युनिज्म, की पूरी दुनिया एक हो जाएगी, कल्पनावादी विचार चल रहा था, है ना, कल्पनावादी विचार।
सब लोग केवल कल्पनाओं में खोए रहते थे, चाहे प्लेटो, चाहे एरिस्टोटल, अरस्तु, चाहे प्लेटो, चाहे सुकरात, सब लोग सोचते थे कि एक ऐसी दुनिया होगी, एक ऐसा आदर्श समाज होगा जहाँ सब लोग बराबर होंगे, कोई भेदभाव नहीं होगा, अमीर और गरीब में कोई दिक्कत नहीं होगी। प्लेटो तो अपने रिपब्लिक में दार्शनिक राजा का सिद्धांत देता है ना, फिलोसोफर किंग भारत के दर्शन में भी दिखाई देता है कि जनक जैसे राजा होंगे और वो जनता और प्रजा में अंतर ही नहीं महसूस होगा, है ना। तो वाइल यू आर कंपेयरिंग जस्ट क्यूटेड कि ये सब जो विचारक हैं, ये प्लेटो, एरिस्टोटल, ये एक आदर्शवादी दुनिया की विचारधारा रखते हैं। कार्ल मार्क्स पहला व्यक्ति है जिसने साइंटिफिक तरीके से ये पूरा बताया कि ये शोषण खत्म नहीं होगा, इट इज नॉट गोइंग टू एंड, एक्सप्लॉयटेशन इज लॉन्ग लास्टेड, ये लंबे समय तक रहेगा, ये खत्म होने वाला नहीं है। चाहे वो इसका हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म हो, ऐतिहासिक भौतिकतावाद हो, चाहे इसका क्लास स्ट्रगल हो, चाहे कोई भी थियरी देखोगे तो ये वैज्ञानिक आधार पे पूरे चीज़ों को स्पष्ट करता है, कहता है कि शोषण तो खत्म ही नहीं होगा। और इसीलिए ये बकायदे एक थियरी डेवलप करता है, उसकी सारी थियरीज का यहाँ नाम लिख लिया, और इसका उपयोग आज के ज़माने में भी है, इसका उपयोग आज के ज़माने में भी है, तो थोड़ा यूज़ लिख लिया, थोड़ी इसकी आलोचना लिख ली, क्रिटिक कर लिया कि भाई क्रिटिक क्या है। क्रिटिक में हमेशा ध्यान रखेंगे कि एक दो थिंकर्स का नाम लिख देंगे, जैसे सेबाइन कहते हैं या ऐसा करके, है ना, एक ज़्यादा नहीं। तो आपने लिख लिया कि जैसे कार्ल मार्क्स ये भूल जाता है कि ऐसा समाज वो बना नहीं पाएगा, है ना, तो उसमें लेनिन या अन्य लोग सुधार कर देते हैं और इसकी वजह से कम्युनिज्म के ऊपर एक संकट आ जाता है, वो खत्म होने के तमाम चला जाता है। और फिर एक कॉन्क्लूजन जो लिखोगे, कॉन्क्लूजन में क्या लिखोगे, निष्कर्ष में ये लिखोगे कि कार्ल मार्क्स एक विचारधारा है, ये जो कभी खत्म नहीं होगा, जब तक शोषण रहेगा खत्म नहीं होगा। हालांकि कार्ल मार्क्स ये बताते बताते थोड़ा सेंटिमेंटल भी हो रहा है, थोड़ा सा कभी कभी आदर्शवादी भी हो जा रहा है, बट कार्ल मार्क्स की थ्योरी आज भी बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है, और कहीं ना कहीं हमारे खुद के इतिहास के ऊपर कार्ल मार्क्स का प्रभाव पड़ा। जब हम मजदूरों की बात करते हैं, जब हम किसानों की बात करते हैं, अच्छा बताओ कभी, तो अब जैसे आप कई सारी किताबों को देखोगे, केवल वहाँ पे गवर्नर जनरल की बात की गई है, केवल वहाँ पे राजा रजवाड़ों की बात की गई है, बट जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन है, जो मार्क्सवादी इतिहासकार हैं, वो मजदूरों की, किसानों की, महिलाओं की, दमित जातियों के इतिहास को भी लिखते हैं। तो कार्ल मार्क्स अपने आप में इतना उपयोगी है कि अगर ये ना हो तो ये पता ही ना चले कि दुनिया का एक वर्ग कितना शोषित है, isn't it? तो while you are writing conclusion, you have to give so many examples to influence your examiner. हमेशा याद रखना कि आप जैसे, अब जैसे मान लो स्टार्ट करनी है, तो आप बोलोगे कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल, इसकी एपिक्स हैं, दास कैपिटल मार्क्सिज्म की बाइबल मानी जाती है। और अब जब यहाँ से स्टार्ट कर दोगे ना आंसर को, और इसने एक पूरे दुनिया को दिशा दी, जब इसने कहा कि सारे वंचित वर्ग एक हो जाओ, तो यहाँ से जब स्टार्ट करके और आंसर के इस फ्रेम में लिखना शुरू करोगे, आपको नंबर कौन नहीं देगा। अगर आपको 65% से 70% तक नंबर उठाने हैं ऑप्शनल में, PSIR में, तो आपको इसी पद्धति के थ्रू आना है। और अगर इसमें मेरा एक्सपीरियंस आपके पास चला गया तो अपने आप आपके नंबर आ गए, आपको कम मेहनत करनी पड़ी, आपने केवल जो बचा समय है उसको रिवीजन में ध्यान दिया, राइटिंग में ध्यान दिया। और अभी क्या होता है, हम बस मटेरियल ही ढूंढते रह जाते हैं ना, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है एंड्रू हैवर्ट्स पढ़ने की, आपको कोई ज़रूरत नहीं है ओपी गाबा पढ़ने की। आई विल गिव यू ऑल दी मटेरियल्स इन ए कंपाइल्ड फॉर्म एंड यू विल बी गेटिंग बेस्ट कंटेंट फ्रॉम माई साइड, तो आपको एक बेहतरीन जानकारी मिलेगी और आपके नंबर अपने आप बढ़ जाएंगे, है ना। ये एकदम से गारंटीड वाली बात है। अब मान लो वारंटी के ज़माने में गारंटी की बातें हो रही हैं, है ना। आप खुद देखोगे कि हाँ ये आंसर में कितना दम है, लिखना तो आपको कोई नहीं सिखाता है। लोग कहते हैं लिखते रहो ठीक लिख लोगे, ऐसा नहीं होता है, दिस इज नॉट द प्रैक्टिकल। मैं कहूँ कि मुझे ये चैप्टर पढ़ लेना है, तो क्या मैं दिन रात बस पढ़ते रहूं तो खत्म हो जाएगा? मुझे टाइमलाइन सेट करना होगा, उसमें से क्या पढ़ना ये सेट करना होगा, उसमें से आउटपुट क्या निकलना ये सेट करना होगा, नहीं तो मुझे इस तरीके की विचारधारा को आगे बढ़ाना होगा। तो अगर ये पूरा आप देखोगे तो ये एक अलग तरीके की ही ज्ञान दिखाई दे रही है ना। हम लिखने के ऊपर फोकस कर रहे हैं, नहीं हम लिखने के ऊपर फोकस कर रहे हैं। देखो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे, जैसे देखो ये भारत के संविधान से एक सवाल दिखाई दे रहा है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसको हम डील कर सकते हैं।
कि हाउ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। बहुत शानदार सवाल है। इंट्रोडक्शन आप कहाँ से करोगे? अगर मैं इसकी इंट्रोडक्शन की बात करूँ, तो देखो जरा, अगर मैं इसके इंट्रोडक्शन की बात करूँ तो आप देखिए इसे, इसकी शुरुआत कहाँ से होगी। तो देखो, ऐसे सवालों में सीधे सीधे हम जाते हैं कि भाग चार पार्ट फोर और कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल 36 टू 51 आर्टिकल 36 टू 51। और ऑब्वियसली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे यही से स्टार्ट करोगे, फिर बताओगे कि भारत में ये DPSP ली कहाँ से गई। तो आयरलैंड से ली गई, और हालांकि हमने केवल बस प्रेरणा ली, हमने इसको भारतीयकरण कर दिया है ना, वी टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम द आयरलैंड, हाउएवर वी कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड DPSP अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। सो यू हैव टू पुट योर ओपिनियन हियर, है ना। तो अगर आपने लिख लिया, ठीक है, अब ये आपका इंट्रो हो गया, एक तरीके की अच्छी व्यवस्था हो गई। आप एक तीसरी बात लिख लोगे कि भारत में DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज आखिर ये क्या है। यह सरकार को निर्देश है, सरकार के दिशा निर्देशक के रूप में काम करता है। दिशा निर्देशक कि सरकार कैसा काम करे, इट्स अ काइंड ऑफ गाइडिंग फोर्स फॉर द गवर्नमेंट, गाइडिंग फोर्स। देख रहे हो, अगर आपने इंट्रोडक्शन शानदार लिख दिया, पा गए नंबर, क्योंकि एग्जामिनर का मूड सेट हो गया है ना। जैसे मान लो क्रिकेट का खेल देखते हो, पहली गेंद पे अगर क्रिकेटर ने 4 लगा दिया है या 6, पूरा मूड सेट हो गया। एग्जामिनर जब आपकी कॉपी पढ़ रहा है, आपने एकदम से फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल की शुरुआत की, अपने आप नंबर दे गया वो। डीपीएसपी में जब लिखना शुरू करोगे तो मेन बॉडी के अंदर में, लेकिन ये सब सीखना होगा, बहुत डिटेल में डिस्कशन है, हर एक आर्टिकल की हम गंभीर समीक्षा करेंगे, एक भी सवाल नहीं छूटेगा, है ना। अगर मैं कहूं कि अगर मेन बॉडी हमने लिखना शुरू किया है ना, तो सिंपल सी बात है कि भारत के सामाजिक आर्थिक विकास में किस तरीके का योगदान देते हैं ना। तो कुछ नहीं करना है आपको, आर्टिकल 38 में पहली बार ये लिखा गया है कि सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, यही उद्देश्य है किसका, डीपीएसपी का। अब ये जब लिख दिया गया तो भारत में जितनी भी योजनाएं बनी है ना, मनरेगा से लेके, स्किल डेवलपमेंट से लेके, मुद्रा बैंक से लेके, जननी सुरक्षा योजना से लेके, हेल्थ सॉयल कार्ड से लेके, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, है ना, ये सारा कुछ, ट्रिपल तलाक, कॉमन सिविल कोड की ओर एक डायरेक्शन में हम बढ़ रहे हैं ना, पर्यावरण को लेके, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, यहाँ पे पूरा लिख के भर दोगे। और इस तरीके से इसने भारत की अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू डिमांड की पूर्ति की है। हालांकि इसकी कुछ कमियां भी हैं। कमियां क्या है, जो आर्टिकल 37 में लिखी गई है ना, देख रहे हो। अब ये वाला लिखना शुरू किया कि भाई इसको कोर्ट के द्वारा लागू नहीं कर सकते, ये केवल एक मैनुअल जैसा दिखाई दे रहा है, एक डायरेक्शन जैसा दिखाई दे रहा है। तो जब इस तरीके के सवाल लिखना शुरू करोगे और अंत में लिखोगे कि हालांकि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स एक पूरक जैसा कार्य करते हैं और ये दोनों ही महत्व के हैं, और हालांकि इसको हम कानून के द्वारा लागू नहीं कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं अनिवार्य रूप से सरकार इसको ऐसा मानती है कि देश के विकास में ये महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में देखेंगे। और हमने विभिन्न उदाहरणों से ऊपर समझ लिया है, वी हैव अंडरस्टूड हाउ थ्रू दीज स्कीम्स वी आर इनएक्टिंग डीपीएसपी। इन योजनाओं के माध्यम से आप गौर करोगे एक एक आर्टिकल में क्या हो रहा है, वही डीपीएसपी को लागू कर रही है सरकार। तो हालांकि कानूनी रूप से कोई बाध्यता नहीं है, फिर भी सरकार इसे लागू कर रही है, देख रहे हो आंसर लिखने का तरीका। तो अगर आपको ये समझदारी विकसित होगी, और ये पढ़ना पड़ेगा, है ना, भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका, अभी हम इसकी चर्चा कर रहे थे, है ना, भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका, रूल ऑफ कास्ट, रूल ऑफ कास्ट। तो बहुत आपको क्या करना है, भारतीय राजनीति की बात हो रही है ना, तो पहले तो बताओगे कि इसका ऐतिहासिक संदर्भ बता दो, कि इंट्रोडक्शन में कि जाति कब से स्टार्ट हुई है ना। तो ये लगभग अगर देखा जाए तो पोस्ट वैदिक पीरियड में स्टार्ट होती है, लगभग 600 BC के समय, है ना, ईसा पूर्व के समय। और यह वर्ण व्यवस्था का ही बिगड़ा हुआ रूप है, यह जन्म आधारित है ना, जन्म आधारित, बर्थ बेसिस पे। वर्ण व्यवस्था में क्या था, व्यवसाय आधारित था, है ना, तो यहां पे लिख दिया कि जन्म आधारित है, बर्थ बेस्ड है ना, बर्थ बेस्ड है। ऐसा लिख के आपने ये बता दिया कि आपको कितना ज्ञान है। फिर लिखोगे कि कहीं ना कहीं यह जाति व्यवस्था
बनाई तो गई थी इसलिए कि लोग, उस समय कोई ट्रेनिंग स्कूल तो था नहीं, देयर वॉज नो ट्रेनिंग स्कूल टू लर्न क्राफ्ट्स, हमें पता तो था नहीं कि कुम्हारी कैसे की जाती है, हमें पता तो था नहीं कि बढ़ई के काम कैसे होते हैं, हमें पता तो था नहीं कि लोहार कैसे काम करते हैं, लेकिन कोई ट्रेनिंग स्कूल तो था नहीं, तो घर परंपराओं के आधार पर लोग सीख जाते थे। बाद में इसको एक्सप्लॉयटेशन का आधार बना लिया गया और यही वजह थी कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इतने सारे सामाजिक सुधार चले आंदोलन। अगर आपने ये लिख दिया तो देखो, मैंने कहा था ना कि एक की बात दूसरी में, नेशनल मूवमेंट को यहाँ पे लगा दिया है ना, नंबर पा गए, इंट्रोडक्शन शानदार हो गया। अब अगर मैं कहूँ कि ये जाति व्यवस्था है क्या, तो एक तरीके का वर्गीकरण है, समाज के विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के रूप में क्लासिफिकेशन है, और इसके अपने कुछ फायदे और कुछ नुकसान दिख रहे थे, है ना। अब जब हम मेन बॉडी में आएंगे तो हम ये बताएंगे कि भारत की इस राजनीतिक संरचना का, मतलब ये जाति की संरचना का राजनीति में क्या योगदान रहा है ना, राजनीति में क्या योगदान रहा इसका राजनीति में। यहाँ पे भी चाहो तो लिख सकते हो कि ये जो व्यवस्था थी इसको राजनीतिज्ञों ने यूज करना शुरू कर दिया, यहाँ भी राजनीतिज्ञों का उल्लेख कर सकते हो, क्योंकि हमें हमेशा प्रश्न में ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि पूछ क्या रहा है ना। आपको बीच बीच में वो रिपीट भी करना होगा कि भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका, जिससे एग्जामिनर को ये लगे कि आपको क्वेश्चन भूला नहीं है ना। आपने मेन बॉडी में लिख दिया कि भाई भारत की जो राजनीति है उसमें जातियां किस तरीके से बटी हैं, विभिन्न क्षेत्रों में कहीं कहीं जातियां बहुत डोमिनेंट है, जैसे उत्तर भारत में क्या है, दक्षिण भारत में क्या है ना, इन जातियों का प्रभाव क्या है, इसका फायदा कुछ है या नहीं है, या इसका नुकसान ही ज्यादा है, मेरिट्स डिमेरिट्स, तो डिमेरिट्स ज्यादा है, इसको खत्म हो जाना चाहिए, मेरिट आजकल रह नहीं गया है क्योंकि लोगों के अंदर में इतना पेशेंस नहीं है, मेरिट के ऊपर फोकस नहीं करना है, जाति व्यवस्था के नुकसान बताने हैं, किन एरियाज में ज्यादा दिख रहा है, बिहार का उल्लेख करना है कि जाति ने किस तरीके से व्यवस्था को खराब किया है, और कहीं ना कहीं वोट बैंक की पॉलिटिक्स ने या जो रीजनल पार्टीज हैं उन्होंने इस जाति के मसले को बहुत बढ़ाया है। हालांकि इस जातिगत राजनीति ने, मैंने वो लालू यादव वाला जो स्टेटमेंट बता रहा था है ना, कि एक महिला कहती है कि कम से कम मुझे विरोध का अधिकार तो मिला, कम से कम हम स्वतंत्र तो रह पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण अवेयरनेस बनाने का काम किया विभिन्न जातियों में, लेकिन इसके नुकसान अधिक रहे हैं ना, क्षेत्रीय विकास अवरुद्ध हुआ, इसमें केवल राजनीति हो गई। तो इन मसलों को लेते हुए हमें यह स्पष्ट करना होगा कि ये जाति नहीं हटेगी। अभी अभी सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन लिखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जाति व्यवस्था राष्ट्रीय हित के विरुद्ध में है। एग्जामिनर खुश हो गया, इजंट इट। तो जैसे ही आपने ये सब करंट अफेयर्स की बातें लिखी, अभी फरवरी 2021 में अभी तो ऐसा डिसीजन आया, तो आप देखेंगे कि जबरदस्त आपका इंपैक्ट पड़ेगा। और एक लमसम आपने लिखा कि जाति व्यवस्था का प्रभाव महिलाओं के ऊपर, समाज के वंचित वर्गों के ऊपर किस तरीके का रहा, विभिन्न क्षेत्रों पे क्या रहा, और अल्टीमेटली ये एक तरीके का नुकसान सिद्ध हुआ। पूरे इतिहास में जाति व्यवस्था कहीं ना कहीं लोगों को कमजोर करने का माध्यम बनी, शोषण का माध्यम बनी। कार्ल मार्क्स की थियरी जोड़ दी कि कहीं ना कहीं लोग कार्ल मार्क्स को, उस जाति व्यवस्था को क्लास स्ट्रगल से जोड़ लेते हैं। तो ऐसा करके जब आप एक कॉन्सेप्ट बनाएंगे, गांधी जी के ऊपर आरोप लगा कि वह वर्ण व्यवस्था में ही जाति व्यवस्था को सम्मिलित करके देखते हैं, तो ये सब बातें लिखोगे तो अपने आप नंबर मिल जाएगा, है ना। तो हम जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, सोचो क्या लेवल की हम डिस्कशन कर रहे हैं ना। आप देखें किसी देश की विदेश नीति में राष्ट्रीय हित और विचारधारा और उनकी भूमिका का अवलोकन करिए, तो जैसे कि हम राष्ट्रीय हित की बात करें तो बहुत सारी बातें हैं, जैसे नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, जैसे न्यूक्लियर डिटरेंस है, नाभिकीय हथियारों का हम प्रयोग करते हैं, जैसे डिसआर्मामेंट हमारी विदेश नीति है, अगर मैं कहूँ गुजराल सिद्धांत हमारी विदेश नीति है, जैसे मैं कहूँ पंचशील का सिद्धांत हमारी विदेश नीति है, जैसे मैं कहूँ कि एक तरीके से भारत एक सहयोगी राष्ट्र की भूमिका में होता है, एफ्रो एशियन यूनिटी, दुनिया को लोकतांत्रिकरण बनाना, संस्थाओं को लोकतांत्रिकरण बनाना, एनर्जी सिक्योरिटी, डिफेंस, दुनिया भर की बातें, अगर आप हर चीज़ों को यहाँ पे डिनोट करोगे तो अपने आप आपका आंसर बढ़िया हो जाएगा, है ना, अपने आप आपका आंसर बढ़िया हो जाएगा। तो इसके अगर संदर्भों को देखोगे तो अपने आप समझ में आने लगेगा कि हम किस लेवल की बातें कर रहे हैं ना, हम किस लेवल की बातें
कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे ये सवाल बार बार उठता है और ये रिपीटेड सवाल है कि सुरक्षा परिषद में क्यों चाहिए, पुनर्गठन की आवश्यकता क्यों, और भारत के दावे का परीक्षण करिए। बड़ा आसान सवाल है, सुरक्षा परिषद का पूरा स्ट्रक्चर बता दिया, फिर ये बता दिया कि ये पूरा यूएन की संरचना कैसे काम करती है, वहाँ सुरक्षा परिषद का रोल क्या है, जनरल असेंबली कैसे काम करती है। सुरक्षा परिषद एक तरीके से बिग बॉस की भूमिका में है, 5 स्थायी सदस्य हैं 10 अस्थायी सदस्य हैं। तो क्या दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र होने के नाते भारत का दावा नहीं बनता, और क्यों बनता है, इसको जस्टिफाई करते हुए यहाँ पर उत्तर लिखना है, जिसको हम अपने कोर्स में डिटेल में पढ़ेंगे। तो कुल मिला जुला के देखो, देखो यहाँ पे वही सब पॉलिसीज हैं, डिसआर्मामेंट का क्या प्रभाव है, रुकावटें क्या क्या हैं। भाई रुकावट बहुत क्लियर है कि अगर हमारे पड़ोस में लोग हथियारों का प्रयोग करेंगे, जैसे साउथ कोरिया, चाइना, पाकिस्तान, तो ऑब्वियसली हम भी हथियारों को रखेंगे और अपने को मजबूत बनाएंगे, है ना। तो ये सब बातें, डिसआर्मामेंट होती क्या है, इसके प्रभाव क्या है, अगर हम आपस में लड़ जाते हैं तो इसके इम्पैक्ट क्या होंगे, है ना, ये सारी बातें यहाँ पे हमें देखनी है। देखो गुट निरपेक्षता, अभी तक मैंने जितने टॉपिक नाम में लिए, देखो सवाल आया ना प्रश्न के रूप में, एक एक चीज के ऊपर हम एक गहरी समझ अपने कोर्स में करेंगे। हर एक टॉपिक के बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हम देखेंगे कि क्या हमने जो सबक लिया है उससे सारे सवाल सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं। मैं ऐसी ऐसी ट्रिक बताऊंगा, मैथ्स में ही केवल ट्रिक नहीं होते हैं, हमारी ऑप्शनल में, हमारी सब्जेक्ट्स में भी ट्रिक होते हैं। तो मैं ऐसी ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि कैसे ट्रिक लगा के स्कोर कर जाओ, है ना, ये अपने सिलेबस में हम देखेंगे, है ना। तो ये सारे पक्षों की जब हम चर्चा करेंगे, देखो कुछ भी नहीं है, भारत की नाभिकीय नीति के आलोचनात्मक परीक्षण करिए, तो जो नो फर्स्ट यूज है या जो न्यूक्लियर डिटरेंस है उसकी समस्याएं क्या है, हमारे पास यूरेनियम नहीं है, एनएसजी में हम कैसे सम्मिलित होंगे, क्या हम क्षेत्रीय चीन के रहते हुए एनएसजी में जा सकते हैं, अमेरिका के सहयोग मिलेगी कि नहीं, तो ये बहुत सारे मसले हैं जो यहाँ पे हमें देखने हैं। तो एटलीस्ट मैंने एक आपको फ्रेम दे दिया इस 65वीं बीपीएससी के ऊपर, और जब हम पढ़ेंगे अपने मेन कोर्स में, तो एक और बात है, जब हम सिलेबस के ऊपर चर्चा करेंगे तो सिलेबस में एक बात याद रखना कि पूरा का पूरा करंट अफेयर्स के इश्यूज मैं डिस्कस करूंगा, करंट इश्यूज डिस्कस करूंगा, हम नोट्स मेकिंग उसी समय कर लेंगे, है ना, नोट्स बना लेंगे, और जहां जहां पीडीएफ की जरूरत होगी वो भी आपको मिलती रहेगी, है ना। क्लास नोट्स के ऊपर आपकी रिलायंस बहुत होगी, है ना, क्लास नोट्स बड़ा ही महत्वपूर्ण होंगे। इसके अलावा हम क्वेश्चन की फ्रेमिंग और आंसर राइटिंग करेंगे, क्वेश्चन की फ्रेमिंग और आंसर, देखो पूरी दुनिया पढ़ रही है लेकिन लिखना नहीं आता है, है ना, एक बात याद रखना, सब लोग केवल पढ़े जा रहे हैं लिखना नहीं आता है। तो हम यहाँ लिखने की कोशिश करेंगे और जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सॉल्व कर लेंगे और पोटेंशियल क्वेश्चन देखेंगे कि क्या बन सकता है ना, इतना कर लोगे कि आपकी संभावना एकदम क्लियर हो जाएगी और एकदम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन देखो पॉलिटिकल साइंस एक डायनामिक सब्जेक्ट है, जैसे मान लो कि अभी मान लो हम 2021 के मार्च में है, है ना, अब ये डायनामिक सब्जेक्ट है, इसमें चीज़ें बदलती रहती हैं, तो उन बदलती चीज़ों को कैसे यूज़ करें ये आपको सीखते रहना होगा, है ना, तो ये सिखाऊंगा मैं, और जल्दी से सिलेक्ट हो जाओ यही हमारी उद्देश्य रहेगी, और रैंक के साथ सिलेक्ट हो ये हमारा उद्देश्य रहेगा। तो कम से कम 65% नंबर की गारंटी आपको मेरे साथ मिलेगी। तो इसी शुभकामनाओं के साथ हम अपने अगले एक्सप्लेनेशन में मिलेंगे, तब तक टेक केयर योरसेल्फ, नमस्कार, धन्यवाद।